हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डॉलर मार्केट में आपका स्वागत है। मिले सुनी डिजिटल मार्केटर, आज हम आ गए हैं फेसबुक एड्स कोर्स के लेसन 46 में। हम जानने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज रीच ऑन फेसबुक, यानी कि हम फेसबुक पर अपनी रीच को कैसे इंक्रीज करें और कैसे बढ़ाएं। तो चलिए फर्स्टली हम समझेंगे कुछ की पॉइंट से। बट मैं आपको बता देता हूँ, सोशल मीडिया आजकल खुद को दुनिया के सामने रखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। चाहे कोई सेलिब्रिटी का फेसबुक पेज हो या किसी कंपनी का पेज हो या किसी भी मीडिया हाउस का फेसबुक पेज ही क्यों ना हो, अपने चाहने वालों या यूजर्स के पास आसानी से पहुंचने के लिए फेसबुक ने सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या ये आती है कि फेसबुक पर पेज पर यानी कि लोगों को कैसे लाया जाए, यानी पेज पर कैसे लाइक बढ़ाया जाए, कमेंट्स बढ़ाए जाए और अपने शेयर्स को बढ़ाया जाए। चलिए तो आज हम इसी के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए हम आपको देने वाले हैं 6 टेक्निक, यानी 6 टेक्टिक्स देंगे जो आप बूस्ट कर सकते हो फेसबुक रीच को। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। तो कहीं ना कहीं जब भी हमें फेसबुक रीच की बात की जाती है तो हमें अपने फेसबुक के प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब भी हम 10 लोगों के सामने या फिर और भी ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी रीच पहुंचानी पड़ती है। तो इसी के बारे में पूरी कंप्लीटली बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली हमें करना चाहिए ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर्मेटिंग एंड कैप्शन फॉर फेसबुक। कहीं ना कहीं जब भी हम फेसबुक स्टार्ट करते हैं तो हमें ऑप्टिमाइज करना होगा हमारा कंटेंट फॉर्मेट कैसा है और कैप्शन कैसा है फेसबुक का। तो अक्सर हम जब भी फेसबुक पर एडवर्टाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी हम न्यू कैंपेन के न्यू एडसेट में या न्यू एड में जाते हैं, इस तरीके आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कई बार सिंगल इमेज या फिर वीडियो से दूर हुए हम अच्छा कंटेंट फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं जिससे कि एक बढ़िया ऑडियंस बेस तैयार कर सके। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग रीच को पहुंचाने के लिए अपनी फेसबुक रीच बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग का यूज करते हैं। एडवर्टाइजिंग यूज कर तो करते ही बट साथ में उसकी चीजों के बारे में बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हम फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार का फॉर्मेट यहाँ पे देने वाले हैं, चाहे वो सिंगल इमेज दे रहे हैं या फिर हम वीडियोस के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेट दे रहे हैं, ताकि एडवर्टाइजिंग चला के अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकें, एक बढ़िया अवेयरनेस ला सकें। तो यहाँ पे बहुत जरूरी चीज होती है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन होता है क्राउजल, यानी कि जब भी आप चाहते हो कि आपके पास 5 से 6 इमेजेस में थ्रू आप समझाना चाहते हो अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो अलग अलग 5-6 इमेजेस आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं वहां से आपको 2 से ज्यादा इमेजेस यहाँ पे यूज करनी होती है, फिर आप वीडियोस क्राउजल में लगा सकते हो। इसी के साथ ही थर्ड ऑप्शन आता है कलेक्शन, यानी कि ग्रुप ऑफ आइटम जो होते हैं वो ओपन किए जाते हैं, फुल स्क्रीन में होती है, मोबाइल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कलेक्शन से रिलेटेड चीजें भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप ऑप्टिमाइज करोगे अपने कंटेंट फॉर्मेटिंग को, जब भी आपको रीच करना हो एक बूस्टली तरीके से तो आप इसका यूज जरूर करोगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, शेड्यूल योर पोस्ट फॉर दी सेक ऑफ कंसिस्टेंसी। कई बार आपने देखा होगा जब भी हमें कंसिस्टेंसी लानी होती है अपने कंटेंट में तो हमें शेड्यूलिंग करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से बिजनेसेस अपने फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गए बट वो अगर कंटिन्यूसिटी नहीं लाएंगे तो वो सही तरीके से अपने कंटेंट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे और एक सही बेस नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सही तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम स्पेशली ये आएगी कि पीपल डोंट ऑलवेज नोटिस व्हेन यू मिस अ डेडलाइन। आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे, आपको जो भी आप चीजें लोगों को दोगे, कभी कभार उनके ग्रुप में डालोगे तो वो आपको ज्यादा हल्के में लेंगे, यानी कि आपके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आप ही खुद इंटरेस्टेड नहीं हो। सेकंड थिंग क्या आती है, यू विल एंड अप क्रिएटिंग कंटेंट पीपल डोंट वॉन्ट जस्ट टू मीट दी डेडलाइंस। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम क्रिएट तो करते हैं कंटेंट को बट लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग बाग नहीं चाहते कि आप इस प्रकार के कंटेंट उनको मिले। तो कहीं ना कहीं ये चीजें डेडलाइंस हमें पता होनी चाहिए, हमें अच्छे प्रकार के कंटेंट देने चाहिए ताकि लोगों को जल्द से जल्द हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे बिजनेस के बारे में पता चल जाए। योर ऑडियंस विल गेट विथ वर्ड ऑफ योर स्टाफ, यानी कि कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस को भी ध्यान रखना होगा कि आपकी ऑडियंस जो है बोर तो नहीं हो रही जब भी आप कंटेंट डाल रहे हो, तो ऐसा कंटेंट डालें थोड़ा मजेदार डालें, थोड़ी मीम्स का यूज करें ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले और सही तरीके से एक बढ़िया यूजर बेस आपके लिए तैयार हो जाए। अदर वर्क सफर्स अस रिजेक्ट फॉर योर कंटेंट क्रिएशन। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत से वर्क आप करते हो एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सर्विसेज बता देते हो, अलग अलग चीजें बता देते हो ताकि मिक्सअप हो जाता है, इससे गलत रिजल्ट आपके सामने प्रूव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सब चीजें नहीं करते तो पूरी तरीके से आपके लिए वेट होता है। अगर हम इसे पूरी तरीके से कंटेंट को कंसिस्टेंसली करते हैं, क्रिएट करते हैं शेड्यूल के हिसाब से करते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट मिल जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें रिमेम्बर रहता है, हमारे ऑडियंस को याद रहता है कि उसके माइंड में रहता है कि आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है, आपको वो कहीं ना कहीं उसको याद रहता है कि हमें जब भी प्रोडक्ट सर्विसेज लेना होगा तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें कहीं नहीं मिलेगा, हम इसके थ्रू हमसे जो भी इन्फॉर्मेशन है हम वो इससे ले सकते हैं और चाहे तो हम उसकी सर्विसेज को भी ले सकते हैं। तो एक बढ़िया चीज होती है, बढ़िया टूल्स होता है शेड्यूलिंग का। इसी के साथ ही यू विल बिल्ड अ लॉयल ऑडियंस
विल टेल यू पीपल्स वेयर डू यू फाइंड यू। कहीं ना कहीं आप एक बढ़िया लॉयल ऑडियंस यहाँ पे तैयार कर लेते हो, जिससे कि जब भी आप अपने कुछ नई सर्विस या ऑफरिंग के बारे में लोगों को बताते हो तो वो और भी लोगों को शेयर करते हैं और भी लोग आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बढ़िया हमें एक बेस यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ यू विल देयर व्हेन योर कस्टमर्स नीड यू दे विल अलाउ नाउ वेयर टू फाइंड यू, यानी कहीं ना कहीं वो हमेशा आपको ढूंढते रहते हैं, कस्टमर्स को जरूरत होती है आपके प्रोडक्ट की। इसी के साथ यू विल गेट अ वर्ल्ड सिस्टम दैट मेक क्रिएटिंग इजियर, कहीं ना कहीं आप इसको अच्छी तरीके से बना लेते हो तो एक सिस्टम में आ जाता है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रोसेस हो जाती है। चलते हैं इसी तरीके से हम शेड्यूलिंग करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करो तो आपको शेड्यूलिंग पता होनी चाहिए कि हमें किस टाइम शेड्यूल करना चाहिए सोशल मीडिया पोस्टर्स को, चाहे आपके फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, हाईएस्ट एंगेजमेंट जो होती है वो टाइमिंग होती है मॉर्निंग के टाइम 10:30। तो आपको इस टाइम पे ध्यान रखना है। इसी के थ्रू अगर मोस्ट व्यूज अगर आपको चाहिए आपकी वीडियोस पे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे शेड्यूल करनी पड़ेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो भी 1:00 पे। इसी के साथ ही अगर आप और भी अच्छे से रिलेवेंट ऑडियंस चाहते हो, आपको सही तरीके से ऑडियंस मिल जाए, तो आप 3:30 पे यहाँ पे यूज कर सकते हो रिलेवेंट ऑडियंस के शेड्यूलिंग में, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से शेड्यूल पोस्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो आप एक बड़ी टाइमिंग पे अगर करते हो तो आपको सही तरीके से यूजर मिलेगा, उसी तरीके से उसे भी नॉलेज मिलेगा और आपके बारे में उसको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट चलते हैं, टाइम योर पोस्ट टू परफेक्शन। कहीं ना कहीं हमें अपने पोस्ट को परफेक्शन में लाना चाहिए ताकि सही तरीके से लोगों को पता चले, लाइक्स आए, कमेंट्स आए और लोगों से हम शेयर करने का भूल सके, ताकि और भी लोगों को जोड़ सके और एक बढ़िया ऑडियंस हमें यहाँ पे क्रिएशन मिल जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे पोस्ट को टाइम देना चाहिए परफेक्शन के लिए, ताकि बढ़िया परफेक्शन के थ्रू हमें ये बढ़िया चीजें कर पाएंगे। इसी के साथ ही व्यूज वीडियोस एंड फेसबुक लाइव टू इनक्रॉस एंगेजमेंट। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से फेसबुक यूजर्स अपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं, बट वो कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं, जिससे उनके ऑडियंस और डाउनफॉल में होते जाते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको अपने ऑडियंस को लेकर चलना है, उन्हें बैलेंस में रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं फेसबुक लाइव वीडियो चलानी होगी, उनको जुड़ना होगा, उनके लिए वीडियोस बनानी होगी, ताकि उनको अच्छा लगे, उनको कमेंट मिले, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको एंगेज करना होगा। एक बढ़िया एंगेजमेंट बनाने के लिए हमें फेसबुक लाइव और वीडियोज के थ्रू से इसकी सारे से हम काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें याद रखना है, गेट इन फ्रंट ऑफ फ्रेश फॉलोअर्स विद फेसबुक एड्स। कहीं ना कहीं जब भी आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग चलाते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है आपके पास हमेशा फ्रेश फॉलोअर्स आए, यानी कि नए फॉलोअर्स आए, ताकि वो आपको हमेशा कनेक्ट हो सके, आपके पास कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जैसी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, ताकि लोग आपके कंटेंट को देखे और आपके पास आ चले और भी लोगों को वो ऐड कर सके। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा फ्रेश फॉलोअर्स के लिए फेसबुक एड्स के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा फ्रेश फॉलोअर्स ही मिले। इसी के साथ ही यूज ग्रुप एंड थर्ड पार्टी एंगेजमेंट टू इंक्रीज विजिबिलिटी। अक्सर आपने देखा होगा आपको हमेशा ग्रुप्स का भी यूज करना चाहिए, जब आपने फेसबुक ग्रुप बना दिया है तो वहां भी लोगों से चैटिंग करते रहना चाहिए, थर्ड पार्टी एंगेजमेंट करते रहना चाहिए, ताकि एक इंक्रीज होती है, विजिबिलिटी बनती है, आपके ऑडियंस के लिए सामने एक बढ़िया रिलेशन बन जाता है। तो इसी के साथ ही आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरीके से हमने 6 टेक्टिक्स बताई है, जिसके थ्रू आप बढ़िया तरीके से पोस्ट कर सकते हो अपने रीच को, वो भी फेसबुक पोस्ट के लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।